बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ बेसन की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इस बेसन की बर्फ़ी को हम बग़ैर चाशनी के बनाएंगे, लेकिन इसका रिज़ल्ट बिल्कुल हमें 100% फ्लेवर के साथ मिलेगा। बिल्कुल हलवाई टाइप ये रेसिपी है। थोड़े से इन्ग्रीडियंट्स के साथ ही हम इसको घर में आसानी से तैयार कर लेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। 1.5 कप हमने मेजर करके बेसन का लिया है। 1/2 कप शुगर हमें चाहिए। 1/2 कप ही यहाँ पर मैं देसी घी का ले रही हूँ। आप चाहें तो आप नॉर्मल घी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सूजी चाहिए। 5-6 सब्ज़ इलायचियाँ, पिस्ताशूस गार्निश के लिए चाहिए और थोड़े से बादाम चाहिए। ये बर्फ़ी बहुत ही जल्द बन जाती है, इसके लिए हमें चाशनी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर ये जो मैंने शुगर ली है ना, ये अभी मैंने पीसनी है। आप चाहें तो आपको रेडीमेड बाज़ार से शुगर का पाउडर भी मिल जाता है, लेकिन मैंने इसको घर में बनाना है तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो बस हमने क्या करना है, मैं इसको इस तरह मिक्सी में डाल लूँगी और इसको मैं 1 मिनट के लिए चलाऊँगी तो ये बस पिस जाएगी। ये शुगर हमारी पिस चुकी है। तो चलिए अब हम जल्दी से इस बर्फ़ी को बनाना शुरू करते हैं। डिश के अंदर हमने बर्फ़ी को सेट होने के लिए निकालना है। उसको हमने पहले से ही ग्रीस कर लेना है। मैंने इसके अंदर बेकिंग पेपर जो है वो बिछा लिया है और हल्का सा हमने इसको ग्रीस कर लेना है। वैसे तो आप पेपर के बगैर भी इसके अंदर जमा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको ऐसे पेपर को नीचे अगर हम बिछा लेते हैं ना तो नाइस एंड क्लीन सी जो है ना, नीचे से हमारी बर्फ़ी की सेटिंग जो होती है ना वो आ जाती है। यहाँ पर हम बेसन को पहले छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना हो। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकिंग पैन। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पर ऑन करना है। ज़रा भी हमने इस रेसिपी में, पूरी रेसिपी में फ्लेम को हाई नहीं करना। सबसे पहले हमने ऐड कर लेना है घी। घी का हमने ख़ास ख्याल रखना है कि हमने घी को रूम टेम्परेचर पर लेना है। अगर जमा हुआ घी होगा तो उसकी मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। थोड़ी सी भी मेजरमेंट जो है वो ख़राब हो गई, कम या ज़्यादा होगी, तो रिज़ल्ट हमारा जो है ना वो परफेक्ट नहीं हमें मिलेगा जिस तरह का हम चाहते हैं। अब घी हमारा हल्का सा गर्म हो गया। बिल्कुल देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने बॉइलिंग इसको गर्म नहीं करना कि डालते डालते ही हमारा जो बेसन है वो जलने लग जाए। अब हमने बेसन को भूनना है। थोड़ा थोड़ा ये अब गर्म होता जाएगा ना तो खुद ही जो घी है वो रिलीज़ करता जाएगा। अभी तो फ़िलहाल इसने सारे घी को जो है ना वो अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। टेम्परेचर का भी ख़ास ख्याल रखना है कि हमने ज़रा भी जो है ना वो हाई फ्लेम पर नहीं बेसन को भूनना। भून तो जाएगा लेकिन उसके अंदर से, बर्फ़ी के अंदर से फिर कच्चेपन की स्मेल आती रहेगी। जितना हम स्लो हीट पर इसको भूनेंगे उतना ही जो है ना इस बर्फ़ी का रिज़ल्ट, बेसन की बर्फ़ी जो होती है बेसन के भूनने पर ही होती है। स्पैचुला को भी हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद साफ़ करते जाना है। अब इसी दौरान हमने ये जो 1 टेबलस्पून भर के सूजी का लिया है इसको भी ऐड कर लेना है। सूजी को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सूजी को डालने से इसका जो टेक्सचर है ना और इसका जो फ्लेवर है वो दानेदार सा उसी तरह हो जाएगा जिस तरह जब हम मिठाई वाली शॉप से लेकर आते हैं ना, फिर इस तरह का ही इसका रिज़ल्ट हो जाएगा। अगर आपको सूजी नहीं पसंद, आप दानेदार सा बर्फ़ी को नहीं पसंद करते, तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं।
बकाया रेसिपी सेम ही होगी। अभी तक बेसन ने घी को जो है ना वो रिलीज़ नहीं किया, हल्का सा ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है सॉफ्ट होना, लेकिन अभी जितना हम इसको भूनते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ये फिर जो है ना हल्का हल्का सा होता जाएगा। अब यहाँ पर देखें मुझे बेसन को भूनते हुए 5 मिनट्स हो गए हैं, तो ये देखें हल्का हल्का सा जो है ना वो घी इसके अंदर से रिलीज़ होना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देखें अभी इसमें से और भी जो घी है ना वो रिलीज़ होगा। मैं हल्का सा स्पैचुला के साथ इसको प्रेस करते हुए जो है ना वो भून रही हूँ ताकि अच्छे से हमारा जो बेसन है ना वो भून पाए। अब मुझे बेसन को भूनते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। अब यहाँ पर देखें ये कितना फ्लफी सा हो गया है, एक इसके अंदर जाल सा बन गया है और कितना सारा जो है ना वो घी अब इसने रिलीज़ भी करती है। जब मैं इसको छोड़ देती हूँ ना थोड़ी देर के लिए तो फिर आप यहाँ पर देखें थोड़ी देर में घी जो है ना ऊपर आते हुए नज़र आता है। बस आपको भी जब लगे कि इस तरह का घी जो है ना वो बेसन में से निकलना शुरू हो गया है, अब ये जो हमारा बेसन है ये भुनने पर ही है। थोड़ा सा मैं इसको और भूनूंगी। भूनने के दरम्यान अगर हमें लगे और घी जो है वो सरफेस पर नहीं आ रहा है, बहुत ही ड्राई ड्राई सा हमें लग रहा है, तो हम 1 टीस्पून या फिर 1 टेबलस्पून घी का आप और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कभी कभी जो होता है ना कोई बेसन ज़्यादा जो है ना वो घी को अब्जॉर्ब करता है। ये जो हमने सब्ज़ इलायचियाँ ली थी इसको मैंने क्रश्ड कर लिए। आप चाहें तो आप अगर घर में इलायची पाउडर मौजूद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इतना लाइट सा एरी सा जो है ना फ्लफी सा ये जो है बेसन हो गया है। अब बेसन हमारा भुन चुका है, मैंने टोटल इसको 12 से 13 मिनट तक भुना है। इतनी अच्छी इसमें से अब खुशबू भी आने लग गई है बेसन की। इस पॉइंट पर अब हमने क्या करना है, फ्लेम को कर लेना है ऑफ। फ्लेम को हमने ऑफ कर लिया। अब इस पॉइंट पर ये जो हमने शुगर को ग्राइंड कर लिया था उसका पाउडर बना लिया था इसको ऐड कर लेना है। ध्यान रहे कि फ्लेम अभी हमारा ऑफ ही है, थोड़ा सा हम पहले इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑन रख लिया तो हमारा बेसन जो है वो जल सकता है। इस पॉइंट पर आप इसके अंदर थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप येलो फूड कलर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नेचुरल ही रखूँगी। फ्लेम को इस पॉइंट पर मैंने लो पर ऑन कर लिया, बिल्कुल लो पर हमने ऑन करना है ताकि जो शुगर का पाउडर है वो मेल्ट हो जाए हमारे बेसन के अंदर। पाउडर शुगर को डालने के बाद जब हम फ्लेम को ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हमने इसको हाई फ्लेम पर भूनना, वो इसलिए कि अगर हम बहुत ज़्यादा भूनेंगे इसको तो इसका जो टेस्ट है वो कड़वाहट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि पाउडर शुगर है, इसका हमने ख्याल रखना है कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाती है, ओनली 1 मिनट या 1.5 मिनट ही लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फ़ी ने किनारों को छोड़ना शुरू कर दिया है और बिल्कुल ये अब किनारों से हट गई है और इसने सिमटना भी शुरू कर दिया है और इकट्ठी सी हो रही है, इसका मतलब है हमारी बेसन की बर्फ़ी अब तैयार है। जब आपको लगे कि इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है वो होगी है और इसने घी भी रिलीज़ कर दिया, यहाँ पर ऐसे करके आप अपने फ्राइंग पैन को टैप करके आप चेक कर सकते हैं कि कितनी जो है ना कंसिस्टेंसी हमारी होगी है और इसने घी को रिलीज़ कर दिया। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ, बिल्कुल इस तरह की ही हमने कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आपको लगे कि इस तरह का आपका जो घी है वो सरफेस पर नहीं आया तो आप आधा टीस्पून या 1 टीस्पून घी का और ऐड कर सकते हैं, मुझे नहीं करने की ज़रूरत क्योंकि मैंने बिल्कुल इसकी राइट मेजरमेंट का ख्याल रखा था। तो अब हमने क्या करना है, इसको डिश के अंदर निकाल लेना है जो हमने पहले से ही ग्रीस की हुई है।
इसको टैप भी कर लेंगे ताकि ये जो बेसन है इवनली स्प्रेड हो जाए डिश के अंदर। एक बात और भी मैं आपसे मेंशन कर दूं कि जब हम इसको डिश में डाल लेते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि ऑयल जो है ना वो सारा ही ऊपर आ जाता है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैं आपको क्लोजली भी दिखा दूँ कि घी कितना सारा जो है ना वो हमारी बर्फ़ी के ऊपर सरफेस पर आ गया है, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है और हमने इसको डिश में डाला है तो वो ऊपर अभी जो है ना इकट्ठा हो गया है। जब तक ये बर्फ़ी ठंडी हो जाएगी ये सारा जो घी है ना अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगी, क्योंकि आपने तो देखा है कि हमने आधा कप ही घी का डाला है। इस पॉइंट पर अब हमने ये जो बादाम काट लिए थे बारीक से ये भी डाल लेने हैं। ड्राई नट्स जो हैं वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी पसंद से जो है ना वो डाल लेने हैं जो आपको पसंद है। आप चाहें तो आप वॉलनट्स के साथ भी इसको डेकोरेट ऊपर से इसको थोड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास बादाम है और थोड़े से ये पिस्ताशूज हैं। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत बन गया है। अब हम इसको इसी तरह सेट होने देंगे, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं आपको इसकी टुकड़ियां काट कर डिश आउट करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पर देखें हमारी बेसन की बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है, ये सेट हो गई है। अब हम इसको काट लेंगे, पहले हम मिडल से काट लेते हैं। देखें कितनी आसानी से हम बर्फ़ी को काट रहे हैं, आप मेरे काटने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट तरीके से काटी जा रही है। ये ऐसी बर्फ़ी बनके तैयार होती है कि मुंह में जाते ही ये घुल जाए इस तरह की। इसी तरह इसको फुल उठा लेंगे। एक पीस मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। मेरी डिश थोड़ी सी जो है ना वो ज़रा बड़ी थी, इसलिए इसकी जो टुकड़ी है ना वो थोड़ी सी ज़रा ना मेरे हिसाब से थिन बनी है। लेकिन अगर आपको ज़रा मोटी वाली आपको टुकड़ी इसकी काटनी है तो फिर आपको डिश इससे थोड़ी सी आप छोटी ले लें। अब मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कितनी माशाल्लाह डेलिकेट सी हमारी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। कैमरा इसके प्रॉपर कलर को जो है वो जस्टिस नहीं कर पाया, इसका कलर बिल्कुल नेचुरल जैसे हलवाई के शॉप से हम लेकर आते हैं ना सेम उसी तरह का है। आपने देखा हमने कितनी आसानी से बिना चाशनी के ही और कोई कंडेंस्ड मिल्क डाले बगैर कोई क्रीम डाले बगैर ही हमने कितनी अच्छी मलाई जैसी सॉफ्ट बेसन की बर्फ़ी घर में बनाकर तैयार की है। अब आपने क्या करना है, इसी तरह मेरी इसी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाना है और मुझे अपनी प्यारी प्यारी फीडबैक देनी है कि जब आपने ये बर्फ़ी बनाई तो आपकी कैसी बनी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें मेरी इस रेसिपी के लिए, शेयर करें इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।